अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम इस एक ऐसी बस्ती में मौजूद हैं जो पूरी बस्ती इस तरह है कि किसी के घर में पीने का पानी नहीं है, पूरी बस्ती में नलका नहीं है। तो अम्मा जी हैं, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे घर नलका नहीं है, हमें लगवा दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सायका कबील हैं, उनकी तरफ से उनके मरहूम भाई तबरेज़ भाई जो है उनके इसाले सवाब के लिए लगवा के दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके पूरे इलाके में, पूरे बस्ती में इस ये नलका वाहिद सहारा है जिससे ये पानी पिएंगे और इनके बच्चे भी पानी पिएंगे। और अम्मा जी ने बताया कि पूरे इलाके में पानी नहीं था। और जब हम अम्मा के घर आए हैं तो इनका घर देखा है, ये अम्मा का घर है, ना कोई छत है ना कोई दीवारें हैं, क्योंकि बारिश की वजह से इनके घर तो था, कच्चा कमरे थे, लेकिन उनकी छतें गिर गई, कमरे गिर गए बारिश की वजह से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ वालेकुम सलाम अम्मा जी, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ अम्मा जी ठीक हूँ। अच्छा अम्मा जी, तुहाडा घर कितना गिरिया वा? ए बारिश नाल पुत गिर गए वाला, हुण तक पता है जो होवे चीज तां पड़ो। अच्छा नुकसान तो नहीं होया कोई? बस नुकसान ब्याह तक कहने, बस ये छतें दा नुकसान ही आ गया कि मकान इथे जो गिरे गए। इहदे उपर छतां केड़ी चीज दीआं पाईआं होईआं सी? हां छतां केड़ी चीज? लाकड़े। अच्छा ते ओ काने ओ गल गए सारे? ओ गल गए हुण तेरे सामने पेन। अच्छा हां बस वाला हुण क्या करूं, चुप कीती खड़ू वाला या अल्लाह वास्ते दा सवाल तो हक पता से तुसा, अल्लाह करे जिंदगी तुहाडी होवे खुश, खुदा रखे तो को बस वो इंदाद है तो करे सो तो दुआई होसन। अच्छा अल्लाह करे से तो खुश होसन। ते नलके वास्ते तुसी खुश हो? हां नलके वास्ते खुश हूं, क्यों जे सारे जी दुआ देन। अच्छा हां बस पूरे इलाके च नलका नहीं हैगा? हां नहीं कोई, तेरे सामने तू जल ये वीडियो चाहिए जल्द देख दी जल्द कोई होवे दा। अच्छा सारे पट्टे निकल, सारे पट्टे बन, पानी नहीं आंदा? नहीं आंदा पानी, पट्टे रखे थे मिंडो पट्टे रखे। अच्छा हाँ जोड़ते कुड़ी खेनी है ना। अम्मा जी ताड़े बच्चे किन्ने हैं? चार फौत थी गया। अच्छा किन्ने बच्चे ताड़े फौत हुए? माँ चार बच्चे फौत हुए। बेटे सी के? हाँ बेटे। ते हुण ताड़ा बेटा फौत होया? हुण भी बेटा फौत होया? हाँ वही है समय जवान हाँ डाली। अच्छा की होया सुनो? ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਦੀਰ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਵਾਲਾ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਬੈਠਿਆ, ਰੋਂਦੀ ਬੈਠਿਆ, ਅਦਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ अम्मा जी कह रही है कि इनका बेटा जवान था अभी, जो ट्रेन के नीचे आके हादसे में हादसे का शिकार हो गया और अल्लाह को प्यारा हो गया, और उसके अलावा छत गिर गई बारिश की वजह से, इनका कोई सहारा नहीं है। एक बहू है, ये इनका जो शौहर है वो भी नहीं है इस दुनिया में, और छोटे छोटे मासूम इनके बच्चे हैं, इनका भी कोई कमाने वाला नहीं है, अम्मा जी का भी कोई कमाने वाला नहीं है, बिल्कुल बेसहारा हैं दोनों, और जैसे बेयारो मददगार अल्लाह ताला के आसरे पे बैठी हैं। और इसके अलावा जो है अम्मा के जैसे चार बेटे फौत हुए हैं, एक की शादी करनी थी, बाकी जो तीन थे वो शादीशुदा थे, और उनकी जो औलाद है वो भी अम्मा पाल रही है, और कैसे पाल रही है ये यही जानती है। अल्लाह ही पले ना पे। तक पता है दुआई अल्लाह सही हर कहीं को नसीब करे, दिन दिन अल्लाह वास्ते उन्हें कुछ देनी आप टूट दी हो जा खम दी हो जा। कहते कि अल्लाह के जैसे अल्लाह के नाम पे कोई देता है कि यतीम का मुंह देख के उनको दे देते हैं, तो वही मैं खा लेती हूँ और वही बच्चों को खिला देती हूँ, होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो अल्लाह के आसरे पे बैठे रहते हैं। बाकी दीवारें वगैरह गिरी हुई हैं, छत गिरी हुई है, इनका कोई सहारा नहीं है। अल्लाह ताला इनके लिए सानिया पैदा करे और अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे। अम्मा जी वाशरूम? हाँ हाँ वाशरूम ने। अच्छा खाड़ा ही कौन वही टूटा हुआ है, बस नहीं जो हस्ती लगती नहीं बढ़ सकता, बोले क्या करो मजबूर हूँ। हाँ जी मजबूर। अल्लाह ताला इनके लिए सानिया पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।